चिलचिलाती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाने का बीड़ा उठाते हुए वार्ड नंबर 45 जय हिंद वाहिनी के सभापति शैलेश मिश्रा ने शरबत पिलाने का काम शुरू किया। उत्तर कोलकाता जय हिंद वाहिनी के सभापति श्री कृष्ण प्रताप सिंह के निर्देश अनुसार हर साल की तरह इस साल भी वार्ड 45 के विभिन्न जगहों में शरबत पिलाने का कार्य शुरू किया गया। आज मंगलवार को NS रोड स्थित सेंचुरी प्लाजा के पास 8,000 से अधिक लोगों को शरबत पिलाया गया। इस अवसर पर उपस्थित है PMYC के जनरल सेक्रेटरी श्री शक्ति प्रताप सिंह, रंजन ठाकुर गुड्डू, सलमान सिद्दीकी, पंकज नौसाद, करण सोनकर, आदित्य पांडे, वार्ड 45 के युवा नेता गौतम सोनकर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद शमशुल, अनवारुल हक खान नौशाद, मोहम्मद बारिक, शेख राजू व अन्न। और इस कार्य में रवि सोनकर ने काफी सहयोग किया। तो आइए चलते हैं शरद ग्रहण कार्यक्रम और सुनते हैं सबने इस अवसर पर क्या। उत्तर कोलकाता जय हिंद वाहिनी के सभापति श्री कृष्ण प्रताप सिंह जी के निर्देश अनुसार वार्ड 45 जय हिंद वाहिनी शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी शरबत वितरण गर्मी के मौसम में कर रहा है, क्या बोलेंगे इसको लेकर? इससे बड़ा तो और कोई मानवता नहीं हो सकता है कि आज इस गर्मी में आज बंगाल पहली बार कल ही हमने न्यूज के माध्यम से हमें पता चला कि इस बार की जो गर्मी है बंगाल में 50 साल बाद ऐसी गर्मी पड़ रही है। और इससे अच्छा और मानवता और लोगों के हित के लिए कार्य नहीं हो सकता जो हमारे 45 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी के जो सभापति है शैलेश मिश्रा के उद्योग से आ रही है, जो उत्तर कोलकाता तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी के सभापति हैं श्री कृष्ण प्रताप सिंह के निर्देश से कार्यक्रम हो रहा है। हम सिर्फ एक माध्यम है, असली सही मायने में ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी हैं जिन्होंने निर्देश दिया है अपने कर्मियों को, जहाँ भी आप बंगाल के जिस कोने में भी हैं आप लोगों के साथ रहे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में जो पूरी उनकी टीम है उनके नेतृत्व में यहाँ बड़ा बाजार, जहाँ की पूरे कलकत्ता से ही नहीं पूरे भारत से लोग व्यापार के लिए आते हैं, यहाँ पे आज शरबत दिया जा रहा है। और यहाँ राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लोगों के हित के लिए रहते हैं, इसीलिए बिना राजनीति में बंगाल में सारे लोग जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ। और जैसे कि अभी इन लोगों का पूरा एक महीने का प्रोग्राम है जगह जगह शरबत बांटने का, और हर जगह पे वार्ड के 45 के हर इलाके में हर गली में ये लोग बांटेंगे, तो इसके लिए कुछ प्रेरणा मूलक बातें बोलिए। देखिए हमारे नेता हैं अभिषेक बंदोपाध्याय जिन्होंने जो बंगाल के पूरे ठंड में उन्होंने बंगाल के हर एक कोने में गए, उन्हीं को आदर्श मानते हुए जो युवा है हमारे 45 नंबर वार्ड के वो आज हर गली में लगातार एक महीना जितना दिन गर्म रहेगा, ये एक महीने ही नहीं जितने दिन गर्म रहेगा उतने दिन ये इस तरह का शरबत का कार्यक्रम किया है। जय हिंद वाहिनी वार्ड 45 आपके निर्देश में आपके नेतृत्व में आज ये दूसरा दिन हुआ और ये पूरा गर्मी भर आप लोगों ने जो प्लान किया उसके बारे में बताया थोड़ा। हम लोग का नेता कृष्ण प्रताप सिंह के निर्देशानुसार हर गर्मी के सीजन में हर साल की तरह इस साल भी चलेगा, एक दिन बीच लगा के हम लोग करते हैं प्रोग्राम ताकि जितना गर्मी है जो रास्ता का आदमी है उसको थोड़ा सुकून मिले पीने से पानी। और हमारा नेता कृष्ण प्रताप सिंह ने 12 बोलते हैं कि ऐसा ही काम करो, गर्मी में एकदम शरबत का प्रोग्राम, कहीं पानी नींबू हर तरह के बोलते हैं करने के लिए, उन्हीं का आदेश से हम लोग करते हैं। तो चलेगा पूरा, मतलब 3-4 घंटा हम लोग 12 बजे से चालू किए हैं, कम से कम 5 बजे तक चलेगा ये पूरा। कितने लोगों का आज का टारगेट? करीब 8,000 से 10,000 आदमी का होगा। शनिवार को भी 8-10,000 हुआ था पक्कापट्टी में किए थे, यहाँ पर भी होगा, फिर परसों करेंगे वहाँ मार्शल हाउस के पास करेंगे बृहस्पति बार। और क्या क्या कार्यक्रम आप लोग? खाली शरबत चलेगा, 2 महीना खाली शरबत पियाऊ का काम चालू रहेगा। अभी अच्छा सामने चुनाव भी है, चुनाव के लेकर आपने क्या? चुनाव के लिए तो पूरा हम लोग यहाँ का जहाँ वेदी के पास होता है वहाँ लोकल भी इसको हम लोग देखिए सिखाओ भाई है यहाँ का वोटर है, पप्पू सुनकर जी वोटर है यहाँ का, सब यहाँ का लोकल हम लोग का है, बोस संतोष बोस है, इधर आइए पंकज सिंह है यही रहते हैं, रवि सुनकर है, शशि सुनकर है, करण सुनकर है, सोनू सुनकर है, मोहम्मद उसाद भाई है, सब सब मेहन पति सब करते हैं और सब शैलेश भाई के नेतृत्व में
शक्ति प्रताप सिंह के जितने भी हम लोग सब हैं, सब वोटर, सब उनके वोटर हैं और सब उनके कार्यकर्ता हैं, सब उन्हीं के पक्ष में सब हम लोग भी हैं। सब यहाँ का स्थानीय जो भी विनेश सिंह है, विनेश सिंह भी थे अभी, मैंने सब यहाँ पर जो भी आदमी 30-25-30 आदमी मिलकर करते हैं, ये वेदी टीएमसी का यही का स्थानीय रूप से किया जाएगा। फिर अब आपको ताली बजाओ बृहस्पतिवार को मार्शल हाउस के पास होगा, मार्शल हाउस। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हमारा नेता किस प्रताप सिंह जिंदाबाद, शक्ति प्रताप सिंह जिंदाबाद। जय हिंद बानी। जिस तरह से ये हर मौसम में सक्रिय रहता, क्या बोलेंगे उसको? सबसे पहले तो हमारे सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करेंगे हम, क्योंकि अगर हमारे भाई हैं तो जय हिंद बानी सक्रिय है। और यहाँ पर सर्वत वितरण का प्रोग्राम हो रहा है रवि भाई के नेतृत्व में, और हम लोगों के नेता के प्रताप सिंह करेंगे, और जितना हो सके हम लोग आगे होके करके उनके सहयोग करने के लिए वहाँ पर हमारे साथ जय भाई भी हमारे साथ है, जय शंकर जी है, रवि शंकर है, सब भाई लोग, हम लोग सब लोग मिल करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा गर्मी हम लोगों के बीच रहेगी। जय हिंद बाहिनी वार्ड 45 शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में आज ये दूसरा दिन जो है शरबत वितरण कर रहा है, और ये पूरे गर्मी भर ये कार्यक्रम चलेगा। जनरल सेक्रेटरी है, और आप भी जय हिंद वाहिनी के जनरल सेक्रेटरी है, तो आप लोग पूरी टीम के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या बोलेंगे? यही बोला जाएगा कि जिस बढ़ रहा है, जिस तरफ से गर्मी बढ़ रहा है, और आपको हमने शरबत का प्रोग्राम भी रखे हैं, आने वाले दिन में जब तक गर्मी रहेगा हर वार्ड में, जहाँ जहाँ आपको इस समय से और क्या मतलब लोगों को क्या बोलेंगे इस तरह के गर्मी में, लोगों को क्या पैगाम देंगे? घर से बाहर ना निकले, धन्यवाद। क्या बोलेगा शैलेश मिश्रा के टीम जो है इस तरह से जो गर्मी में शरबत बांट रही है? गर्मी में हर साल शरबत का प्रोग्राम करते हैं, फिर बारिश में छाता का प्रोग्राम करते हैं, हर वार्ड 45 में हर जगह जगह हम लोग प्रोग्राम करते हैं। क्या बोलेंगे ये आज जय हिंद वाहिनी वार्ड 45 शैलेश मिश्रा और उनके टीम की ओर से, आज दूसरा दिन है और ये पूरे गर्मी भर ये चलता रहेगा ये कार्यक्रम। इतनी गर्मी में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहा है जय हिंद वाहिनी का, हमारे नेता शक्ति प्रताप के निर्देशन हुआ पूरे गर्मी भर ये प्रोग्राम जय हिंद वाहिनी शैलेश मिश्रा के नेतृत्व में, शक्ति प्रताप हमारे वार्ड के नेता हैं।